आज तक के एक इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने एक बात बोली थी। रिया चक्रवर्ती कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत आज से 2 साल पहले एक थाईलैंड टूर पर गए थे। जी हाँ, थाईलैंड टूर पर गए थे और एक प्राइवेट जेट किया था सुशांत सिंह राजपूत ने, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ थे। और उस ट्रिप में सुशांत सिंह राजपूत ने 70 लाख रुपीज़ खर्चा किया था, 70 लाख का उन्होंने खर्चा किया था। रिया चक्रवर्ती कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत किंग साइज लाइफ जीते थे। और आपको बता दें कि अब इसी बात की एक पुष्टि करी है जो साबिर अहमद हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के एक स्टाफ में थे, 2018 में। तो साबिर अहमद का कहना है कि वो भी उस ट्रिप में थे और काफ़ी लग्जरी ट्रिप थी बैंकॉक की। और आपको बता दें कि साबिर अहमद ने एक प्राइवेट मीडिया के दौरान ये कुछ खुलासा किया है। वो सबीर अहमद जो है वो कहते हैं कि उसमें 7 लोग थे। सुशांत सिंह राजपूत थे, सिद्धार्थ गुप्ता थे, कुशाल जवेरी थे, अब्बास थे, सुशांत सिंह राजपूत के जो बॉडीगार्ड है मुश्ताक, और साबिर अहमद, और सारा अली खान भी थी। जी हाँ, तो साबिर अहमद ने बोला है कि सारा अली खान भी उनके साथ गई थी वहाँ पर। और एक तरह से ये जो ट्रिप था, ये ट्रिप था उनकी जो PRO टीम है उनके लिए पूरा ट्रिप था, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड और उनके उनके हेल्पर, उनकी जो PRO टीम है, एक तरह जो उनकी PR टीम है, वो सब टीम गई थी, और जिसमें सारा अली खान भी इंक्लूड हुई थी। जी हाँ, सो उन्होंने बताया कि वो बैंकॉक के एक होटल में रुके, काफ़ी महंगा होटल था, काफ़ी लग्जरी होटल था। तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट डे जब वो बैंकॉक गए थे, जब वो तो फर्स्ट डे तो सब के सब बीच पर चले गए थे। बीच पर काफ़ी अच्छा बीच था और जो होटल काफ़ी अच्छा था, लेकिन उस टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान ये दोनों होटल में ही रुके थे। जी हाँ, सो आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बताया था कि सुनामी आने के कारण, जो उस टाइम पे वहाँ पर सुनामी आई थी, जैसे बैंकॉक में कई जगह वो हो जाता है, सुनामी आ गई थी उस टाइम पे। तो सुनामी आने के कारण इनका जो ट्रिप है वो पूरा खराब हो गया था। और इन्हीं सब के दौरान जो फ्लाइट की टिकट्स थी, वो मुश्ताक अहमद जो उनके बॉडीगार्ड थे और साबिर अहमद, इन दोनों की ही टिकट्स वापस नहीं आई थी। मतलब इन दोनों के टिकट्स रिटर्न नहीं हुई थी। तो बाकी इनकी सारी टीम, उनको टिकट्स मिल गई थी फ्लाइट वालों की तरफ से, एयरलाइंस वालों की तरफ से। तो जैसे ही उनको मिली, वो जल्द से जल्द आ गए थे, और उसी बीच कोई भी फ्लाइट की टिकट बुक नहीं हुई थी। और आपको बता दें कि इन्हीं सब के चलते वो दोनों वहाँ पर 1 महीना रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत के जो साबिर अहमद जो हेल्पर हैं और मुश्ताक, ये दोनों ही वहाँ पर 1 महीने तक रहे थे। और उन्होंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपना ATM कार्ड उनको दे दिया था, जिसमें उन्होंने उनका काफ़ी खर्चा हो गया था उस ट्रिप पे, कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो गया था। जी हाँ, सो उन्होंने जो खुलासा किया है कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत एक तरह से किंग साइज की जो लाइफ है वो सच में जीते थे। जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए।